नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपू और दीपू के चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि सेवई कैसे बनते हैं घर पर झटपट। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ एक प्लेट सेवई लिया है और इसे हम थोड़े से रिफाइन में फ्राई करेंगे। ज्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़े से करना है। दोस्तों हमने यहाँ कढ़ाई ले ली है और हम इसमें डालेंगे रिफाइन सेवई को भूनने के लिए। ज्यादा रिफाइन नहीं डालिए, थोड़ा सा डालना है, बस इतना ही डालना है। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि सेवई कितनी देर तक और कैसा फ्राई करना है। दोस्तों हमारा जो रिफाइन है वो गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे सेवई और इसे हम मीडियम आंच पर भूनेंगे कुछ इस तरह से। ज्यादा नहीं भूनने हैं, भूनने हैं, ब्राउन करने हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा सेवई है वो अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम सेवई बनाने चलते हैं, इसको दूध में पकाना है 5 से 10 मिनट तक। तो चलिए हम सेवई पूरा बनाना दिखाते हैं आपको। दोस्तों हमने यहाँ दूध 500 ग्राम लिया है और ये जब उबल जाएगा तब हम इसमें सेवई डालेंगे। आप चाहे तो भुना हुआ जो सेवई है चाहे तो आप पूरा ही बना सकती हैं, और अगर आपको कहीं ज्यादा लगे तो आप आधा रख के किसी और दिन भी बना सकती हैं, ये खराब नहीं होते हैं। तो हमारे जब दूध उबल जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे सेवई। उसके बाद डालते हैं चीनी, इलायची और किशमिश। देखिए दोस्तों, हमारा जो दूध है वो उबल चुका है और हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ सेवई जो मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम इसको डालेंगे इस दूध में और इसको धीमे आंच पर पकाएंगे इस तरह से, और ज्यादा नहीं पकाना है। अगर ज्यादा पकाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको हम धीमे आंच पे पकाएंगे। जब ये पक जाए तो हम इसमें चीनी डालेंगे और जो आपको डालना हो किशमिश डालिए, गड़ी डालिए। और इसे आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही अच्छा लगता है और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। किसी त्योहार में भी हम इसे बनाते हैं। तो हमारा सेवई पक रहा है और आप लोग देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो सेवई है वो बनकर तैयार हो चुका है कुछ इस तरह से। अब हम इसमें आपको क्या करना है, चीनी गैस बंद करके डालना है, नहीं तो चीनी अच्छा से नहीं भुनेगा। तो इसमें हम चीनी डाल देते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश, अच्छी तरह से मिला लेना है चीनी को। तो हमने इसमें डालना है किशमिश और इसे हम अच्छी तरह से ढक देंगे ताकि अच्छी तरह से घुल जाए। देखिए दोस्तों, हमारा जो सेवई है बनकर तैयार हो चुका है। तो अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिए। दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।